दिया, लेकिन किसने? 7 वर्ष का जो अखंड तप जमीन के नीचे हो रहा है, जो गुरुदेव की सेवा में जो अष्ट जो आंसू बह रहे हैं, बाबा शिरडी बुलाते हैं, कोई पैसा लेने के नहीं नहीं बुलाते मेरे भाई, कभी ऐसा मत सोचना। उनने कहा जरूर है कि जो एक देता है मैं 100 देता हूं, तुम्हें एक अष्ट दान करो वो 100 अष्ट दान करेगा तुम्हारे। वो कहता है कि मेरा भंडार भरा हुआ है, ले जाने वाला चाहिए, मैं देना चाहता हूं, कोई ले जाने वाला आता ही नहीं, मेरे को देने वाले आते हैं। मुझे तो उसकी तलाश है। वो हेमाडपा से कई बार बोलते हैं कि मुझे तो इस दक्षिणा से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो देना है भाई, मेरा खंडर भरा है, मेरे पास बहुत पैसा है, तीनों लोगों का पैसा है, मैं ऐसे भक्त को पुकारता हूं। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि कोई खदान में उतरता है, जितनी ताकत है उतनी गाड़ी भरता है और पैसे कमाता है, यहां पर भी गाड़ी भर भर के ले जाए, जो जितना समर्पण जितना प्रेम मेरे बाबा से करेगा उतना धन लेके आए, वहां हमेशा लक्ष्मी विराजती रहेगी। बाबा के घरों में अन्न और वस्त्र का हमेशा भंडार रहता है, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। हम तो दूसरी जगह पहुंच गए, निम्बम पेड़ जब करुणा बरसाने लगता है, कामधेनु से भी अधिक पुण्यशाली हो जाता है, कल्प वृक्ष से भी जिसकी अधिक कीमत हो जाती है, और जिसकी पत्ती खाने से लोग बीमारी से मुक्त होने लगते हैं, बाबा फिर उस जमीन से बाहर निकलते हैं। फिर कहानी वहीं हो जाती है, 17 वर्ष की उम्र में नीम के पेड़ के नीचे एक ज्ञान सूर्य उदित हो रहा है, सुबह का सूर्य और एक ज्ञान सूर्य दोनों एक साथ उदित होते हैं, और नाना चौकदार की मां सबसे पहला दर्शन 17 वर्ष की उम्र में इस बालक का करती है। यह दासगणु महाराज का रिसर्च है। दासगणु महाराज ने इतनी जानकारी बच्चों के साईं बाबा किताब में अमीदास मेहता को दी, जो लिखी गई है। तो देखिए, हम जाते हैं शिरडी और उस गिर स्थान पर भी जाते हैं, लेकिन हमको क्या पता इसका क्या महत्व है। हम तो इतना जानते हैं कि जो लोग परिक्रमा लगा रहे हैं हम भी लगा लेते हैं, लेकिन जो इसके महत्व को जानता है, जो बाबा की करुणा को जानता है, जो बाबा को बाबा के समर्पण को जानता है,